लुधियाणा विच कारपोरेशन चोणां नूं लै के बेशक जिहड़ा वड्डा ऐलान हो चुका है कि 15 नवंबर तो पहलां जिहड़ियां कारपोरेशन चोणां ने करवाईआं जा सकदियां ने, इस नूं लै के असीं तुहानूं दिखावांगे लुधियाणा दे वख-वख वार्डां दे जिहड़े की हालात ने जां किद्दां दे हालातां विच लोक जिहड़े ने रहि रहे ने उत्थे। अज असीं पहुंचे हां लुधियाणा दे वार्ड नंबर 50 दे विच, जिथे कि इलाका निवासी कहिंदे ने कि इत्थे दीआं सड़कां जिहड़ियां कदे नहीं बणीआं, जां फिर सीवरेज दे बुरे हालात ने जां फिर पाणी दी गंदगी नाल उहनां नूं जूझणा पैंदा। हालात तुसीं देख सकदे हो कि जिहड़ी सड़क है इत्थों जिहड़ा लोक जिहड़े ने एंटर करदे ने पखवाल तों रोड तों जदों एंटर करदे ने तां किस तरहां दे हालात तुसीं देख सकदे हो कि हालात की ने, क्योंकि कितें ना कितें वड्डी मात्रा में पानी खड़ा, जां असीं कह सकते हैं कि सड़क जिहड़ी टुटी हुई है। इलाका निवासियां नाल गलबात कर लैंदे आ की कहना उहनां दा, किदां दे हालात ने जां कदों तों इस तरह के हालात बने हुए ने, की कारण है भी इह सड़क जिहड़ी नहीं बनी। पंजाब तों बिलोंग करदे हां जी, इत्थे हालात ने आह खराब है जी, सड़क दे पिछले घट्टो घट 5 साल तों बनी नहीं जी, ते कारपोरेशन इधर ध्यान नहीं दे रहा जी, इत्थे कूड़े दे बुरे हाल आ जी, लोग इत्थे लंघदे आ, बाकी महल्ला वासी खड़े ने कोले, एक अपने बाऊ जी इत्थे डिगे जी, उन्हां दी बांह टुट गई जी, आ प्लस्तर बांह नूं प्लस्तर लग्गिया होया जी, देख सकदे। अच्छा, कहिंदे तुहाडा इत्थे कोई एक्सीडेंट होया वा जिहदा तुहाडा जिहड़ा हादसा वापरिया तुहाडे नाल, कहिंदे इत्थे एक्टिवा ते जा रहे सी असीं, हां जी, इत्थों पता नहीं लगा की है, स्लिप होया, नाल ही गुट टुट गया, नाल ही गुट टुट गया। तो सरकार अपनी कारपोरेशन इस चीज़ नूं सोचदी नहीं, अज तो नहीं, ये 5 साल तो इस तरह चलता आ रहा, कोई सोच नहीं, कोई सुनवाई नहीं। असीं महल्ला वासी ते सारे ने रल के, बेदी साहब है इन्होंने बड़ी बड़ी किया वा, इन्हों कोई सुनाई नहीं कर रहा। पिछले असी देखिया पूरी सड़क का ही इदा हाल है, पिछले भी पानी खड़ा वा, तुम जो इतों लंघते हो तो किस तरह के गोडे गोडे तक पानी हों जी। अच्छा, हाँ, मोटरसाइकिल बंद हो जाते, एक्टिवा बंद हो जाए, बहुत बुरा हाल इतने के, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा, इतने पूरा आ देखो पानी कितना जमया। अच्छा, जो गल करिए हूँ तो बरसात भी नहीं हुई, पर हूँ इतने पानी कितों आ गया? ये 4 दिन पहला मीह पिया सीगा जी, उस तो बाद हालात ही हले तक इतने सुके नहीं, कोई पानी ड्रेन वाटर की कोई जालियाँ नहीं, कोई कुछ नहीं, सड़क पिछले 5 साल तो नहीं बनी, तो मौके की सरकार भी देखो जी इधर ध्यान नहीं दे रही, गल्लां करदे विकास दी नेरियां लियांदियां पईआं। अच्छा, जे गल करिए पहला इस वार्ड के जिहड़े ने कौंसलर कौन सी, की नाम सी उन्हां दा, उन्हां वल्लों की क्यों नहीं काम करवाए गए? इत्थे वार्ड के कौंसलर कांग्रेस पार्टी नूं बिलोंग करदे सी, वैसे उन्हां नाम बलजिंदर कौर है, तो उन्होंने इस इधर एरिए ध्यान नहीं दिता, वो कहती मैं तो कहती भी जित गई हूँ, मेरी सेहत नहीं ठीक रही, जो सेहत नहीं सही रही तो फिर जरूर बनना सी। मतलब कितने ना कि कहें कि काम नहीं करवाए गए, तो होर वार्ड के भी जो हालात दिखा दें लोगों ने गलबात भी करा, क्योंकि कितने ना कि जो इस रोड के उपर चढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि इस रोड के उपर जोड़े ने बड़ा औखा जरा लंघना हो जाता है। तस्वीरों में तुम दिखा रहे हैं कि लगातार की जगह जगह के उपर रोड जी है टुटी हुई है, तस्वीरों में तुम देख सकते हो कि जगह जगह उपर जी रोड टुटी हुई है, कितने ना कि लोग जड़े ने साइडों तो लंघते नज़र आते हैं। पहला भी कहा जा रहा है कि इस जगह के उपर जो एक्सीडेंट होया, एक व्यक्ति ने दसाया कि उसका जो एक्सीडेंट हो जाता है इस रोड तो लंघते हुए रात के समय, एक्टिवा स्लिप होने के कारण वड्डा जो हादसा वापर जाता है। लोगों ना गलबात करते हैं की कहना। वार्ड नंबर 50 दी तस्वीरां दिखा रहे सी कि सड़क दे पहला जिहड़ी सड़क दिखाई है कि सड़क दे की हालात ने, हुण तुसीं देख सकदे हो कि मोहल्ले दे अंदर बड़े आ तां किस तरहां दे हालात ने, तुसीं देख सकदे हो कि पानी जिहड़ा सीवरेज दा पानी, गंदा पानी, लोगों नूं लंघण च भी मुश्किलां दा जिहड़ा सामना करना पै रिहा, असीं कह सकदे हां कि पानी जिहड़ा लगातार जिहड़ा इत्थे सीवरेज दा पानी लीक हो रहा, जिसके चलदे मोहल्ला निवासी जिहड़े परेशान ने, मोहल्ला निवासी खुद कहिंदे ने कि असीं इत्थों लंघणा भी जिहड़ा मुश्किल होया पिया वा, गल्लबात कर लैंदे आ। अच्छा भाई जी, किन्ने के समय की समस्या, तो किस तरह जी समस्या लगता कि बड़ी बीमारियां जी फैल सकदियां ने, जां फिर जिस तरह डेंगू का जो प्रकोप आ इस बार 3 गुणा केस देखने मिले ने? सर, ये पिछले एक हफ्ते तो ऐ पानी निकल रहा, कारपोरेशन का जमा ही इस पर ध्यान नहीं है जी, तो महल्ले वासी बहुत तंग ने, आंढ गुआंढ वाले कोले खड़े ने, तो ये नाल ही बीमारियां भयानक रूप ले लैणगियां जी, इस गल करके तुहानू समस्या का हल करनू सद्या गया जी, कारपोरेशन असीं शिकायत की है। अच्छा, कारपोरेशन भाई शिकायत कहते की गई है, जिहड़े इलाके दे जिहड़े तुहाडे नुमाइंदे ने जां कोई मोहतबर बंदे कोई आउंदे नहीं, कहिंदे नहीं वी हल करा दिंदे आ, जां फिर जदों कारपोरेशन वाले आउंदे तुसीं कंप्लेंट नहीं कीती कदे? भाई कंप्लेंट कीती आ असीं, हांजी, असीं हफ्ते तों पहलां कंप्लेंट दी, पर कोई नहीं आ रहा इत्थे, आंदे अपने एक दो वारी फोटो खिंच के चले गए, उह सिर्फ फोटो कि मैं टोकिया भी उहनां नूं भी फोटो क्यों खिंच रहे हो तुसीं, क्योंकि फोटो खिंच के चले जांदे, बस काम वगैरह कोई नहीं करदे, ते असीं नाल दा घर है जी मेरा, असीं बहुत परेशान, 4 साल दा बच्चा मेरे उही हफ्ता बीमार चल रहा, यही बीमारियां करके तो सानू कोई सुनदा ही नहीं इत्थे, कोई कारपोरेशन वाले जां कोई इत्थे कोई। भाई असीं भी कहने कि बीमारियां जिहड़ियां इस वारी 3 गुणा जिहड़े केस वध के आए ने, तुसीं की अपील जिहड़ी प्रशासन नूं करनी चाहोगे, क्योंकि लगातार जिहड़ा असीं देख रहे हां वी हुण वी जिहड़ा रिसाव पाणी दा हो ही जा रहा। असीं कहने कि साडा इत्थे साडी सुनवाई हो ही जावे, साडा जिहड़ा पक्ष आ साडा सुनिया जावे,
क्योंकि असी बहुत परेशान हैं महल्ले वासी, असी जो भी सफा सफाई कराने उदे गंद शुरू हो जाता वै उधरों इधर इन्हों के 50 बंदे रेंदे घट्टो घट उन्हों का सारा गंद देखो उन्होंने ओवरफ्लो हो रहा है इस चीज़ का। ठीक है, इधरों आ चिकन वाले है उन्होंने कोई पंख मुर्गी का वेस्टेज होंगे मुर्गियों का जोड़ा वो इतने आके फस जाता है। परसों जो बंदे आए उन्होंने वेस्टेज कढ़िया, वेस्ट कट के फिर दोबारा कोई वेस्टेज फस गया, कपड़े कट रहे हैं, मुर्गियों के पंख कट रहे हैं, उन्होंने हड्डियाँ कट रहे हैं, वो इतों कट रहे, वह गंद बहुत फैलिया हुआ साडे महल्ले दे। अच्छा, की लंघना भी लगता कि मुश्किल होया पिया वा भी जो लोग जो किसी ने पैदल लंघना हो बच्चे ने उन्होंने बड़ी दिक्कत आ सकती है। इत्थे जी बिल्कुल नेड़े तो ही अगापे पब्लिक स्कूल है, उत्थे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। पहले नंबर पर जो इतों निकलते हैं उन्होंने भयानक इत्थे मुश्क का सामना करना पै रहा। पहले नंबर पर तो इतों सीवरेज की गंदगी बाहर आ चुकी है, बच्चे निकलते हैं, कोई व्हीकल वड्डे निकलते उन्होंने उत्ते छिट्टे पै जाते हैं, वो इत्थे मच्छर भी बहुत वड्डे लैवल पर हो रहा। इत्थे आले दुआले के काफ़ी लोग बीमार पे ने, उन्होंने सेलां की प्रॉब्लम आ रही है, डेंगू अजकल की डेट से बहुत वड्डे लैवल पर फैल रहा। तो अभी तो यही बेनती करांगे कारपोरेशन नूं कि भी इहनूं जल्दी तो जल्दी इहदा हल कीता जावे। अच्छा जी, हल मतलब जिदा कहिंदे कि हल कीता जावे, तुसीं प्रशासन तक पहुँच की कदे उन्होंने कहा वा? प्रशासन जी है जी, उन्होंने कहा गया तो वह कहें भी असं आ रहे हैं जी, पर हाले तक अज एक हफ्ता हो गया कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया जी, बिल्कुल कितने ना कि असं कह सकते हैं कि वड्डियां समस्यावां ने वार्ड नंबर 50 दियां। होरां लोगों नाल भी गलबात करांगे कि किस तरह के हालात ने वार्ड नंबर 50 दे, की कहना वार्ड नंबर 50 दे वासियां दा, की मंग करदे ने। लगातार वार्ड नंबर 50 के हालात दिखा रहे हैं, तुहानूं तस्वीरां दिखा दिंदे हां कि किन्ना क विकास होया। तुसीं देख सकते हो कि नीचे जिहड़ी सड़क है उस उपर जरूर माड़ी मोटी जिहड़ी बजरी पाई हुई, जां असीं कह सकते हैं कंक्रीट पाया होया, पर सड़क जिहड़ी है अनकंप्लीट पई है। ये भी जाणांगे इलाका निवासियों तों कदों तों अजिहे हालातों के नाल जूझ रहे हैं, क्योंकि कितें ना कितें जेकर स्कूटर मोटरसाइकिल निकल निंघना तां वड्डी दिक्कत जिहड़ी आउंदी है। तुसीं देख सकते हो कि इलाका निवासी जिहड़े ने खड़े ने, कदों दी बई जी ये समस्या आ रही है ते क्यों अजिहे हालात ने? ए मेरे महला निवासी ने तुम देखते पे हो, मैं पिछले दिन इतने आया तो इन्होंने मैंने सद्या तो इन्होंने कहा गरीब बड़े टाइम तो खराब पई है, जो तो पिछली सरकार सी कांग्रेस की उन्होंने कौंसलर ने इतों की सड़क पटाई थी, देखो सीमेंटेड सड़क थी, कहते असर टैला लगनी है, वो पटा के लै गए सारी, तो इन्होंने उस तो बाद यदि सार नहीं पुछी। वह गल मैं अपने जिला टीम कुलवंत सिंह सिद्धू उन्होंने जहन लिया, तो उन्होंने कहा भी छेती तो छेती असं बना देंगे, क्योंकि मेरा टीम नाल सिद्धू साहब ने बड़ा सहचारा वे तो मेरा क्या कहा मनते हैं, तो जल्दी आ सड़क बन जाएगी। पर कितने ना कितने हुण तुहानूं 1.5 साल हो गया तुहाडी सरकार होवे ते सड़क दे उही हालात हुण, पिछे ठेकेदार की कोई प्रॉब्लम आ गई सी पता वे सिद्धू साहब नूं, ते उन्होंने हुण कहा भी जल्दी तो जल्दी सड़क बन जाएगी, क्यों वो चाहते ने बई असी जिहड़े इलैक्शन आने ने अपने कौंसलर दे ते असी 95 दी 95 सीटां कढ़नियां ने, ता करके उन्होंने मैनूं इह वादा कीता रिंकू जिहड़ी जिहड़ी दिक्कत आउंदी मैनूं दस्सिया कर, मैं जल्दी तो जल्दी ठीक करावा। अच्छा जी, इलाका निवासियों को पूछ लेने हैं, भाई जी तुम इतने के रहने वाले बसिंदे हो, कितनी दिक्कत दे परेशानी का सामना करना? बहुत ज्यादा 3 साल हो गए पट्टी, 3 साल। अच्छा जी, पैखा के भज गई। हां जी, परसों चौथे आए थे कहते पक्के कणका करा दूंगा, टाले नवी आ गए, नवी आ गए ट्राली खड़ी दो आ गए। किन्नी की मुश्किल आंदी भाई जी? बहुत बहुत मुश्किल आंदी जी, अपने जदों दे इलेक्शन होए उदों बाद यह बहुत माड़ा हाल है। पर सड़क तो बन जानी चाहिए थी, सड़क बन जानी चाहिए थी, साढ़े उरे बच्चे बुजुर्ग कई बार डिगते रहते ढहते रहते हैं, अभी तो कई बार गुजारिशा भी कीतियां पर साड़ी कोई सुनवाई नहीं होंदी सी, तो हर के असी भाजी नूं फड़िया ते भाई जी साडा हल करो ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कोई गल नहीं, उन्होंने फिर आया उन्होंने दिखाया मौके पर, तो कहते कोई गल नहीं समस्या हल करांगे, यानी कि हुण भाजी आए नहीं तो हुण कुछ ना कुछ हल करन दी उम्मीद हैगी। माता जी पानी पूनी भी मींह दे विच समस्या आंदी? बहुत पानी, गंदा पानी आउंदा, इन्ना कहन दी गल विच कीड़े भी आउंदे पानी दे पीण वाले च। हां, इन्नी मुश्किल हुंदी है ना कहन दी गल नहीं, इत्थे गिर गिर के पैंदे सारे। जदों पट्टियां 3 साल हो गए कहिंदे अज बनाउने कल बनाउने, असीं ते हार के इहो कि असीं हुण किसे नूं वोट ही नहीं देनी जिन चिर सड़क नहीं बनी। नहीं, जेकर जिवें हुण कारपोरेशन दीआं चोणां आउणीआं ने, बाकी असीं देखिआ वी कई जगह दे उप्पर जिहड़ियां सड़कां ने उह शुरू करदीआं ने, तुहाडी तुहाडी नहीं बनाई जाणी? ना, अद्धी अद्धी बना के अद्धी छड्ड गए, उह देखो अद्धी बना के पिछू अद्धी अगे खड़ी है, अगे वोटां नहीं, तुहाडे कोल वोटां नहीं हैगीआं, तुसीं लै के गए ने सब कुछ, हर साल दी साल देने आ। बच्चे साडे भाजी छोटे छोटे डिगदे आ, की करिए बस इदा ही गुजारिश करदे आ कि साडी सुनवाई होवे, गलियां बन जाण बस, होर की चाहीदा जी।
ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕਿ ਸੀਵਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇ ਦਾ ਲੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਵਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਪਰਸੋਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੇਕਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ